हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत करता हूं आपका एक और नई वीडियो में। आशा करता हूं आप स्वस्थ एवं मस्त होंगे। तो भाई, अपने शहर मुजफ्फरनगर में अभी हो रखा है बारिश वाला मौसम, और अभी हम हैं न्यू मंडी स्थित मेहता क्लब में। तो यार, 23 वर्षों से अपने शहर मुजफ्फरनगर में श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है, तो उसी के उपलक्ष्य में आज फिर हम यहाँ पर एकत्रित हैं। तो अभी आपको दिखाते हैं यहाँ पर क्या व्यवस्था चल रही है और कैसा माहौल है। तो गाइस, तैयारियाँ जोरों शोरों से चल रही हैं। रथ को फूलों से सजाया जा रहा है, और जो ये रस्सा है इसके द्वारा रथ को खींचा जाना है। बाकी अभी हमारे साथ एक भैया हैं, उनसे बात करते हैं यात्रा के बारे में। तो गाइस, अभी हमारे साथ भैया हैं, भैया से थोड़ा सा जानते हैं रथ यात्रा के बारे में। जगन्नाथ स्वामी की जय। ये रथ यात्रा हमारे यहाँ 23वीं रथ यात्रा है मुजफ्फरनगर के अंदर, जो कि इस्कॉन कुरुक्षेत्र के माध्यम से निकाली जा रही है, और वर्ष भर में एक बार होती है ये यात्रा। जगन्नाथ पहले हमारे यहाँ जगन्नाथपुरी के साथ हुआ करती थी, परंतु अब 8 दिन के अंदर 7-8 रथ यात्रा निकलते हैं, तो एक रथ यात्रा मुजफ्फरनगर का सौभाग्य है। लगभग 30 रथ यात्रा निकलती थी कुरुक्षेत्र के द्वारा, जिसमें कि 7 रह गई हैं, अब 7 में एक मुजफ्फरनगर के अंदर निकल रही है। और यहाँ पर विशेषता ये है इसकी कि इसके यहाँ पर भगवान जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा जी विराजमान होंगे, तो और रथ यात्राओं से और शोभा यात्रा में इसमें अंतर है, क्योंकि यहाँ पे जो भगवान आते हैं वो मेन मंदिर के अंदर के मेन ठाकुर जी होते हैं, जिनकी अष्टयाम सेवा होती है। वो नहीं है कि केवल अब प्राण थोड़ी प्रतिष्ठा करी, पूजा अर्चना करी और विराजमान करे, फिर विसर्जन कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे जो मंदिर के अंदर भगवान है वो इस्कॉन कुरुक्षेत्र के मेन मंदिर के अंदर के जो मेन ठाकुर जी हैं, भगवान जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा महारानी, मेन मंदिर के भगवान ही यहाँ पे विराजमान होते हैं। पहले दिन भगवान आते हैं, सब भक्तों पर अपनी कृपा लुटाते हैं, अपना आशीर्वाद लुटाते हैं, अपना प्रसाद पवाते हैं, फिर भगवान यहीं पर रात्रि में शयन करते हैं। और अब दिन में भगवान का बधाई उत्सव चल रहा है मीनू पेपर मिल वालों के यहाँ पे, और अब भगवान रथ पे विराजमान होंगे और रात्रि में फिर यहीं पे शयन करेंगे। जिस समय भगवान का जो भोग लगता है वो भोग लगेगा, जिस समय जो आरती है आरती है, क्योंकि देखिए मंदिर के रूप में है ये रथ रुमा मंदिर है, भगवान का मंदिर है। मंदिर का मतलब क्या, जो भगवान का अपना उनका निजी घर है। तो यहाँ पे जो रथ यात्रा से भगवान मेन मंदिर के मेन भगवान आते हैं, और जो भी भगवान के इस रस्सों खींचता है, ब्रह्मांड पुराण में कहा गया उसके कोटि कोटि जन्मों के अपराध क्षमा होते हैं। और भगवान क्या बताऊं, मुझे पता है मेरे जीवन में भगवान ने मुझे क्या दिया था, पहले मैं क्या था और आज मैं क्या हूं, और उनके प्यार तो सब कुछ मिलता है, और संसार के सब तत्व वो ऐसे मिले सब्जी के साथ धनिया फ्री में। बोल जगन्नाथ भगवान की जय। तो गाइस, भैया ने हमें समस्त जानकारी से अवगत कराया, और यार साथ साथ अपने निजी अनुभव से भी लाभान्वित किया। तो अभी यात्रा थोड़ी देर में शुरू होने वाली है, तब तक आप नासिक से आए ढोल का मजा लीजिए। तो गाइस, रथ यात्रा पुरी का प्रधान पर्व है, और वहाँ विभिन्न प्रांतों से लोग आते हैं, और अपना मुजफ्फरनगर भी ग्रामीण क्षेत्रों में अग्रणी रहता है। तो रथ यात्रा शुरू हो चुकी है, माहौल देखो अभी। एक बार शरीर जमीन छू करके भगवान को प्रणाम कर लो। बोलो श्री जगन्नाथ, बोले सुभद्रा महारानी की। हरे 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 राम हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो गाइस, यात्रा जहाँ से भी निकल रही है, घरों के बाहर, दुकानों पे, छत पे लोग प्रणाम की मुद्रा में खड़े हैं, और यार फूलों से सेवा कर रहे हैं। तो गाइस, अगर आप लोग शारीरिक रूप से यात्रा में सम्मिलित नहीं हो पाए हैं, तो आपने मानसिक रूप से सम्मिलित होकर यात्रा का लाभ उठाया होगा।
आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं एक नई वीडियो में। जय श्री जगन्नाथ।